हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीसी सेंटर। आज हम ड्रॉ करेंगे इनवैल्यूट। क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इनवैल्यूट ऑफ ए रेगुलर पेंटागन 25 mm साइड्स। तो साइड्स दिया है 25 mm। तो सबसे पहले हम लोग पेंटागन बनाएंगे जिसका साइड है 25 mm। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो 25 mm का है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 5, ठीक है। 5 क्यों दिया है वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो पेंटागन बनाएंगे तो उसके साथ जो एंगल रहेगा वो 108 डिग्री का एंगल रहेगा। तो सबसे पहले एंगल को हम मेजर कर लेते हैं। ये हुआ, और जिस तरह 0.5 से किए उसी तरह 0.1 से भी हम 108 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। कर लिए, अब हमें 25 mm ही ड्रॉ करना है, मतलब एक्सटेंड करना है लाइन को। तो इसको ध्यान में रखते हुए पॉइंट, इसको ध्यान में रखते हुए 25 mm हम एक्सटेंड किए इस लाइन को, ठीक। इसी प्रकार इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट को हम 25 mm लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, जितना हमें साइड्स दिया था उतना मेजर करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कट करेंगे और हम मिला देंगे, ठीक है। ये पेंटागन बनकर तैयार हो चुका है। इसको नाम दे देते हैं 1 पहले से, 2, 3, 4 and 5। हम लोग 5 इसलिए नाम दिए थे यहाँ पर पहले से ताकि यह क्रम में हो सके, ठीक है। तो अब ध्यान यहाँ पर दीजिएगा कि हम 2 से 1 की ओर लाइन एक्सटेंड करेंगे, 2 से 1 की ओर, 3 से 2 की ओर, और 4 से 3 की ओर एंड 5 से 4 की ओर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंड 0.5 से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। हो चुका है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जितना हमें 0.1 से 5 का डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, और ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार 0.2 से इसका नाम दे देते हैं P1, ठीक है। P1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। इसका नाम देते हैं P2। अब ठीक इसी प्रकार 0.3 से P3 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, सॉरी ये पॉइंट P2 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 0.4 से P3 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। इसको नाम देते हैं P4। अब 0.5 से P4 का डिस्टेंस को मेजर करेंगे,
ठीक है, इसे नाम देते हैं पी फाइव। इस प्रकार हमारा इनवैल्यूड बनकर तैयार हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि रोज़ आप अपने मोबाइल पर ही अप्लाइड मैकेंस और ईडी का क्वेश्चंस को वीडियो देख सके। थैंक यू।